Welcome everyone to Simplified Physics. My name is Umesh Sharma. I am lecturer of physics in Swami Atmanand Government Excellent English Medium School. We are going to start a lecture series for 9th to 12th physics. जिसे आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th physics. Chapter number 1, Electricity. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन. इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के क्या तरीके होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या चार्जेस को डिटेक्ट कैसे किया जाता है और चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. तो इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में. चार्ज क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ चार्ज. तो चार्ज होती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स. चार्ज होती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो मैटर के प्रोड्यूस होने के साथ साथ उसमें आती है. जैसे कि कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल प्रोड्यूस होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं कंपोजिशन, बेसिक कंपोजिशन ऑफ मैटर. मैटर के जो सबसे छोटे कंपोजिशन होते हैं उनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहा जाता है. जिसमें से कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा. इन पार्टिकल्स के पास प्रोड्यूस होने के साथ साथ एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जिसकी वजह से वो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं. तो चार्ज को हम डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ड्यू टू विच दे exerts and experiences electric force. And in modern physics, electricity and magnetism are studied as a single branch. इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से बहुत हद तक जुड़े हुए हैं जो हम ट्वेल्थ के सिलेबस में समझते जाएंगे. तो यहाँ तो हमने समझ लिया कि एक चार्ज क्या होता है. चार्ज होता है एक बेसिक या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे के ऊपर एग्जर्ट करते हैं या फिर उसको महसूस करते हैं. चार्ज के लिए हम नोटेशन यूज करते हैं स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू. यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलर, डिनोटेड बाय कैपिटल सी. नाउ ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस इन रेस्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस इन रेस्ट. करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मूविंग चार्जेस या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस इन मोशन. हमारे चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो चैप्टर्स हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे. और चैप्टर नंबर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ मूविंग चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे.
नाउ अब हमने समझ लिया कि चार्ज क्या होता है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड. चैप्टर नंबर वन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड और जनरेटेड. द इजिएस्ट वे टू प्रोड्यूस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज फ्रिक्शन. जब हम दो बॉडीज को एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं तो एक बॉडी से चार्जेस निकलकर दूसरी बॉडी में चले जाते हैं. फॉर दिस वी हैव स्टडीड एन एग्जाम्पल ऑफ रबिंग अ ग्लास रॉड on a silk cloth. Similarly, when another glass rod rubbed on silk cloth is brought near first glass rod, they repel each other. This experiment explains that जब दो body को एक दूसरे के ऊपर rub किया जाता है तो static electricity generate होती है. इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी सब्सटेंस को. एक्सप्लेन करने के लिए हम समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रिक चार्जेस. व्हाट डज दिस थ्योरी सेज? दिस थ्योरी सेज दैट ऑल द सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ atoms. The composition of an atom is nucleus, which comprises of protons and neutrons and negatively charged particles called as electrons revolve around them in circular orbits. जो outermost shell के electrons होते हैं इनको कहा जाता है valence electrons. जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो अपने से हायर वाले लेवल पे जंप करता है. लेकिन जब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो ये एटम को लीव कर देते हैं. जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रब किया जाता है तो ड्यू टू थर्मल एजिटेशन मींस हम जब दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं तो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज एब्जॉर्ब बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन बॉडी एंड देन लीव्स द बॉडी एंड गेट स्टक ऑन द अदर बॉडी ड्यू टू विच बोथ बॉडीज विल गेट चार्ज्ड. पहली वाली बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है. तो दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी विच इज फ्रिक्शन. नाउ सेकेंड वे टू प्रोड्यूस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज इंडक्शन, ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. सो वॉट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विदाउट कॉन्टैक्ट. इसमें चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो इंडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एक अनचार्ज्ड बॉडी के करीब जब एक चार्ज बॉडी को लाया जाता है तो अनचार्ज्ड बॉडी के नियरर एंड पर अपोजिट चार्ज और दूर वाले एंड पर सिमिलर चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं. इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन.
So what is electrostatic induction? Electrostatic induction is the process of charging. Electrostatic induction is the process of charging an uncharged conductor without physical contact of a charged conductor. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक अनचार्ज्ड कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं दूसरे चार्ज कंडक्टर की मदद से, लेकिन बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए। नाउ एक्सप्लेनेशन, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के साथ साथ चार्जेस भी पोजेस करती है। जैसा हम जानते हैं कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के पास भी चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के पास भी चार्ज होता है, तो मैटर के पास चार्ज तो होता है, बट किसी भी सब्सटेंस में वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या टोटल वैल्यू ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इज जीरो। लेकिन जब हम किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के करीब लेकर आते हैं तो देयर इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। जितने अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट होकर नियरर एंड में पहुंच जाते हैं, और जितने सिमिलर चार्जेस होते हैं वो रिपेल होकर फर्दर एंड में पहुंच जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आज हम टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में हम समझेंगे कि थैंक यू एवरीवन। आज की लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर में हम समझेंगे हाउ टू डिटेक्ट एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस।